नमस्कार सर, आज हमारे जो नवरात्रि आश्विन नवरात्रि जिनको कहते हैं, इसमें ये तिथियों के हिसाब से छठा नवरात्र कहा जाता है इसको, छठी नवरात्रि माता की। तो आज तक के हमारे इसमें जो अब तक के आंकड़े हैं, जो प्रतिदिन हम कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से चार नवरात्रों में हमारे पास लगभग 92,000 लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं माता के। और साथ में जो हमारे जो भक्तों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा जो माता के मंदिर में जो दान किया जाता है, उसकी जो हमारे पास कैलकुलेशन आई है, वो लगभग 47,22,000 रुपए अब तक कलेक्टिव हुए हैं इन छठे नवरात्र में। अभी हमारे 3-4 दिन और हैं, तो बड़ा स्मूथली काम चल रहा है और सभी श्रद्धालु बड़े जोशो खरोश से माता के दर्शन कर रहे हैं। और जितने भी कुछ अभाव में भी है, कुछ हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी कुछ सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुपालना में हमको ये करना पड़ रहा है, फिर भी लोगों ने ऐसी किसी भी तरह की कोई हमसे शिकायत दर्ज नहीं करवाई। जैसे जिस भी परिस्थिति में वो आए हैं, जिस भी जो भी उनके साधन हैं, अपने साधनों के ऊपर वो निर्भर करते हुए दर्शन कर रहे हैं। और हमारा जो प्रशासन है, जो हमारे पुलिस फोर्स है, होमगार्ड्स हैं, ये जो तैनात किए गए हैं, ये अपनी अपनी ड्यूटीज जो जो हमारे सेक्टर बांटे हुए, नौ सेक्टर बने हुए हैं, जिसमें हमारे 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, उनके साथ हमारे PSO लगे हुए हैं, तो ये सब अपनी अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। पिछले दिनों में जो हमारे रविवार का जो दिन रहता है, वो वैसे भी जनरली रविवार को बहुत यहाँ पे भीड़ रहती है, साथ में इस बार नवरात्रि के कारण ये भीड़ और भी ज़्यादा इस बार रही और एक ही दिन में लगभग 37,000 लोगों ने माता के दर्शन किए। इसमें कुछ एक पॉइंट्स पर सेक्टर नंबर 4 हो गया हमारा, सेक्टर नंबर 2-3 हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा भीड़ रही, फिर भी आराम से स्मूथली शाम 5-6 बजे तक सब नॉर्मलाइज हो गया था और सभी लोग अपने हर्षोल्लास के साथ दर्शन करते हुए सब अपने अपने गंतव्य पर निकल गए। और अभी हमको उम्मीद है कि जो सप्तमी और अष्टमी का जो दिन रहता है, उसमें भी लोगों की बड़ी अच्छी भावनाएं रहती है कि माता के दर्शन अष्टमी और सप्तमी को हो जाएँ, तो बहुत ही अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह रविवार को हमारे काफ़ी भीड़ रही, यही भीड़ शायद सप्तमी अष्टमी को भी यहाँ रह सकती है। उसके लिए हमने अब इस बार थोड़ा सा तैयारियाँ उसकी अलग से की हैं कि हम अपने स्तर पर इसको अच्छे से निभा पाएँ और लोगों को कोई असुविधा ना हो, तो यही हमारा प्रयास रहेगा। और जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं COVID-19 के तहत, जो उसकी अनुपालन की जा रही है, और कुछ असुविधाएं लोगों को यही मन में यही है कि यहाँ हवन करने में और थोड़ा जो लंगर वगैरह अभी नहीं खुले हुए हैं, तो इस वजह से कुछ श्रद्धालुओं को शायद मुश्किल हुई होगी, फिर भी वो इसकी ऐसे कोई शिकायत इन्होंने दर्ज नहीं करवाई। हम प्रार्थना करते हैं माता से कि इनकी इस अभाव में जो भी इन्होंने हर्षोल्लास से आपके दर्शन किए, सदा इन पर कृपा बनाए रखें और माता सदा सदा इनके आने वाले भविष्य के लिए भी ये जोश बनाए रखें और माता के दर्शन करते रहें। हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले नवरात्रि में ये सब नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी और खुशी खुशी लोग दर्शन कर पाएंगे, और हम भी अपने प्रयासों से माता की ओर से जो भी सुविधाएं हम प्रदान करते पिछले दिनों में रहे हैं, तो आगे भी हम प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं ऐसे दिशा निर्देश हैं कि जिसको डबल वैक्सीन लगी हुई है, वो तो अपने सर्टिफिकेट्स उनके पास उपलब्ध सभी के पास हैं, वो दिखाकर अपने मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ में अगर जिसके पास ये नहीं है सुविधा, तो वो RT-PCR के जो रखे का गाइडलाइन, उसका अनुपालन करें। और हम तो मंदिर की ओर से जो हमने स्वास्थ्य विभाग ने जो हमारा कार्यक्रम चला रखा, उसमें रैट के तहत वो थोड़ा जो दिशा निर्देशों के तहत वो रैट टेस्ट लेकर भी मंदिर में प्रवेश के लिए उनको भेज देते हैं। अगर किसी को ऐसा एसिम्टोमेटिकली जो पाए जाएँ, तो उनको हम वो वहीं जो हमारे स्थान है वहाँ पे रोक दिया जाता हमको। पर ऐसी भी अभी तक ऐसी कोई इतने बड़े 6 दिनों में हमारे पास ऐसी कोई ज़्यादा बड़ा कोई आंकड़ा ऐसा नहीं आया कि जिसमें ऐसे लोगों को पाया गया हो। तो ऐसा लगता है कि माता की कृपा से सभी इसमें सफल हुए हैं और कोई भी इसमें अभी तक
हमको कोई सहन नहीं करना पड़ा।